इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब। सर, बजट कैसा रहा? मध्यम वर्ग को ध्यान रखते हुए सरकार कह रही है कि लाएं। नहीं, कुछ बातें जरूर सराहनीय है। पहली बात तो ये कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बातें आज कही हैं वो बहुत लंबी बातें हुई हैं। चलो, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनके स्टैमिना की या उनके होमवर्क की, उनके रिसर्च की, लेकिन उसका परिणाम जो आया है वो दिख रहा है। वो परिणाम ये दिख रहा है कि महिलाओं के लिए, मिडिल क्लास के लिए भी सिवाय टैक्स एग्जम्पशन की सीमा जो बढ़ा दी गई है, 5 से 7 लाख किया गया, उसके अलावा जो है बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है, डीजल और पेट्रोल के प्राइस पे कुछ नहीं किया गया। देश के ऊपर इतना कर्ज है, उस कर्ज को हटाने की या कर्ज खत्म करने की या कर्ज को मिटाने की कोई सामने पॉलिसी लेकर सामने नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा बहुत लोग चौंक गए कि हाइएस्ट टैक्स स्लैब जो था उसको बहुत कम कर दिया गया। कम किया गया किन कारणों से किया गया, किसके लिए किया गया, उनकी भाषा में हमारे मित्र लोग, कुछ लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, कहीं उनके लिए नहीं किया गया, उनके फायदे के लिए नहीं किया, सवाल उठ रहा है। इसलिए मैं चंद शब्दों में ही कह सकता हूँ, ये बजट जो है इस साल का आखिरी बजट है। हालांकि कई लोगों की नज़रों में चुनावी बजट हो सकता है, कई लोग ताली और थाली बजाने वाले लोग बैठे थे जो अपनी पीठ थपथपा रहे थे बजट पे, लेकिन मैं कह सकता हूँ टोटैलिटी में कि यह बजट जो है इस साल का सिर्फ आखिरी बजट ही नहीं है बल्कि इस सरकार का भी आखिरी बजट। यानी साफ तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा आपने चित अंदाज में ये कहते हुए कि बजट में बातें बहुत कही गई लेकिन देश की बड़ी आबादी को उसका कोई सीधा फायदा मिलता नहीं दिख रहा। अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज़।